हेलो दोस्तों, तो ये एपिसोड 4 होने वाला है कमेंट्री प्लस रिएक्शन। और आज जिस वीडियो को हम देखेंगे और कमेंट्री करेंगे वो है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, पहला ओडीआई जो कल ही रावलपिंडी में खेला गया। और पाकिस्तान ये मैच 26 रन से जीता, लेकिन जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को काफी अच्छी टक्कर दी और काफी क्लोज टू क्लोज, नेक टू नेक मैच खेला गया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काफी अच्छा इंट्रो किसी ने बनाया। वही मैच रावलपिंडी में खेला गया, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी। और पिच जो है बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट है। और पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने खुद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और पाकिस्तान की टीम में हारिस रो, शाहिन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, इमाद वसीम और फहीम अशरफ और इफ्तिखार रिजवान, बाबर, इमाम और उनकी टीम में विलियम्स, ब्रेंडन टेलर और अली बॉली वाइट, मुम्बा, आदित अली एंड इमाम। ओ कैच ड्रॉप स्लिप पर आदित अली के दूसरी बॉल पे, शॉर्ट था, शॉट है अभी की चौथी बॉल पे आदित का चौका। ओहो जबरदस्त बॉल, जबरदस्त बॉल हुई है एलबीडब्ल्यूकेपी। और ऑन फील्ड कॉल की वजह से इमामुल हक बच गए, वरना अगर अंपायर कॉल दे देते तो ये आउट हो जाता, रिव्यू भी रिटेन थे। ये कोर है एलबीडब्ल्यू के फील्ड और ये आउट दे दिया गया मुंबा ने। और बाबर आजम भी आउट 19 रन पर और पाकिस्तान के 89 पर दो खिलाड़ी आउट। ब्लेसिंग मजर रबानी ने विकेट ली। इमामुल हक ने तो अपनी 50 मार ली चौके के साथ, लेकिन 63 बॉलों पे इसने 52 रन की काफी स्लो इनिंग खेली। और पाकिस्तान ने 22 ओवर में 108 रन बनाए दो विकेट के नुकसान पर। हारिस सुहेल भी काफी ही स्लो खेले, तो सिकंदर रहता बॉल डाल रहे और ये ने ड्राइव पे शॉट मारी और ये रन आउट, और दोनों की जगह पर और ये रन आउट। इमामुल हक रन आउट 58 रन 74 बॉल्स पर और ये छक्का हारिस सुहेल का, लंबा छक्का मारा। ओहो कैच, ओ जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, फील्डिंग की काफी अच्छी कोशिश लेकिन छक्का। रिजवान और रिजवान क्लीन बोल्ड, शॉट और ये 50 हारिस सुहेल की। हारिस सुहेल ने 72 बॉलों पर 50 मारी। तो ये इफ्तिखार भी आउट, इफ्तिखार ने बनाए 12 रन 13 बॉलों पर और पाकिस्तान के 194 पर 4 खिलाए आउट। और ये हारिस सुहेल भी आउट 71 रन पर 81 बॉल पर। फहीम और इमाम खड़े और ये फहीम का छक्का है आउट, ये फहीम आउट। फहीम ने बनाए 23 रन 15 बॉल पर। और वहाब आए, वहाब ने पहली दूसरी बॉल पर चौका। पाकिस्तान 157 रन 7 खिलाड़ी आउट और ये वहाब भी रन आउट, 8 रन वहाब ने बनाए। पाकिस्तान की कुछ 50-50 बैटिंग थी। पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर ने काफी स्लो खेला, जिसमें इमामुल हक ने भी काफी स्लो खेला और साथ ही साथ हारिस सुहेल ने भी काफी स्लो खेला। पाकिस्तान ने बनाए 281 रन 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों में। अब देखते हैं जिम्बाब्वे क्या करता है। और काफी अच्छी बॉलिंग करवाई यार, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज में भी ब्लेसिंग को दो विकेट मिली, रजा को विकेट मिली और शाहिन शाह बॉलिंग करवा रहे दो पर। तीसरी बॉल पे ही आउट, कैरी आउट हो गया और शाहिन शाह अफरीदी ने विकेट लिए, कमाल की बॉलिंग थी। हारिस रऊफ काफी एक्सपेंसिव पड़े, क्योंकि हारिस रऊफ अपना डेब्यू कर रहे थे और हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 30 रन खाए थे। शॉट यार, शॉट 62 66 रन और दो आउट और ये
और ये आउट एरवन आउट 42 रन पर। वहाँ ब्रैस काफी अच्छी बॉलिंग करेंगे, शॉन विलियम्स भी वहाँ ब्रैस की पहली विकेट 115 पर 3 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान ने कैचेस काफी ड्रॉप किए, स्पेशली ब्रेंडन टेलर के 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए और फिर ब्रेंडन टेलर ने सेंचुरी भी मारी। और ये ब्रेंडन टेलर की सेंचुरी, ब्रेंडन टेलर की सेंचुरी, ब्रेंडन टेलर की 11वीं सेंचुरी है और वो जिम्बाब्वे के व्हाइट क्रिकेटर है जिन्होंने 17 सेंचुरी मारी इंटरनेशनल क्रिकेट में। बॉलिंग बाहर मतलब मेरा को आउट करती है 55 रन पर। ये यंगस्टर है जो पिछले साल लीग में अपना अंडर 19 में आए थे, बांग्लादेश में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और ये टेलर भी आउट, ब्रेंडन टेलर ने 112 रन स्क्रीनिंग्स खेली 16 बॉलों पर और काफ़ी अच्छी नॉक खेली और इनकी नॉक की वजह से जिम्बाब्वे तक क्लोज आया। वहाब रियाज ने फिर एंड तबाही डाल दी और वहाब रियाज ने बैक टू बैक विकेट्स ली और 245 पर 6 खिलाड़ी आउट और जिम्बाब्वे को चाहिए 36 रन 12 बॉलों पर। और शाहीन शाह की ने भी 5 पर 4 विकेट शाहीन शाह को मिले और शाहीन शाह और वहाब रियाज क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था। शाहीन शाह ने 149 पे भी बॉल फेंक दी और ये शाहीन शाह की 4 विकेट 9 बॉल 5 विकेट लिए है 48 रन के। और वहाब रियाज ने भी 4 विकेट देकर 42 रन दिए, कमाल की बॉलिंग कर रही है। और पाकिस्तान ये मैच 26 रन से जीते और जिम्बाब्वे जो है बोल्ड आउट हो गई 255 रन पर और 1 विकेट इमाम को मिली है और 4 वहाब को और 1 उसको 4 वहाब को और 5 शाहीन को। और मैन ऑफ द मैच ब्रेंडन टेलर को मिला है क्योंकि ब्रेंडन टेलर ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और ब्रेंडन टेलर की बैटिंग की वजह से ही जिम्बाब्वे तक क्लोज तक आया है। ब्रेंडन टेलर की बैटिंग और साथ ही साथ शॉन एनवर्स एरवंस की बैटिंग और साथ साथ मंजर अबानी जो कि यंगस्टर अंडर 19 उनकी बैटिंग की वजह से जिम्बाब्वे ने इतनी अच्छी टफ टाइम पाकिस्तान को दी है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो थे ना एक टाइम पर उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे इतना क्लोज तक चला जाएगा लेकिन जिम्बाब्वे के पास वो एक्सपीरियंस और वो जो है ना कि हम टारगेट चेज नहीं कर सकते बस फिर वो ही है और फिर जिम्बाब्वे जो है कोलैप्स हो गई और एक सडन कोलैप्स की वजह से जिम्बाब्वे जो है बोल्ड आउट हो गई 255 पर। लेकिन कमाल की बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला, पाकिस्तान तो एक मजबूत टीम थी लेकिन जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा टफ टाइम दिया। उनके जो 3 प्लेयर्स हैं जिनके मैं आपको नाम भी है मदर अबानी साथ साथ ब्रेंडन टेलर और साथ साथ एरवंस इनने जो 190 ऑड रन की दोनों ने बनाया उसी की वजह से जिम्बाब्वे इतना क्लोज तक गया। और पाकिस्तान के कुछ बॉलर्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े जिसमें हारिस रऊफ उस तरह बॉलिंग करवा रहे जैसे वो T20 में बॉलिंग करवाते लेकिन उनको पता नहीं था कि इसमें 10 ओवर है। उन्होंने पहले 3 ओवरों में ही 30 रन दिए फिर उन्होंने आखिर में कुछ रन कंटेन किए। वहाब रियाज से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई, फहीम अशरफ ने भी एवरेज सी बॉलिंग करवाई, इमाद वसीम ने भी काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई और शाहीन शाह ने भी क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई। और पाकिस्तान की स्ट्रिक ऑन हो चुकी है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते हैं फिर 2 श्रीलंका के खिलाफ और अब ये पाकिस्तान की 7 की स्ट्रीक है और पाकिस्तान जो है कंटिन्यूस है। और पाकिस्तान ने ये मैच 26 रन जीत लिया और कमाल गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली रावलपिंडी में। और पाकिस्तान वो सेकेंड टेस्ट कंट्री है जिसने आफ्टर दिस पेंडेमिक क्रिकेट को रिज्यूम और कंटिन्यू करवाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरा आपको रिएक्शन और मेरी प्लस कॉमेंट्री आपको कैसी लगी, ओरिजिनल वीडियो को जरूर सपोर्ट करें क्योंकि ओरिजिनल वीडियो जो है पीसीबी की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाकर उसको शेयर करें और पीसीबी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है और काफ़ी अच्छी हाईलाइट बनाई है। मैंने तो खाली कमेंट्री प्लस रिएक्शन दिया तो ज़रूर मेरे इसको थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा ये कॉन्टेंट अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगा इस कॉन्टेंट को फर्दर ले जाता रहूँ। और मैंने जो है मैच का रिव्यू और मैच की ओपिनियन वीडियो भी जो है डाल दी थी, रात को ही मैंने बना ली थी तो रिएक्शन वीडियो मैंने भी बनाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।